गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई स्टार्ट करते प्रोग्रामिंग सी की क्लास। प्रोग्रामिंग सी की क्लास में कल मैंने एक एग्जांपल बनाने के लिए आप लोगों से बोला था, लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी रिस्पॉन्स कल नहीं दिया। क्या बात है? अभी तक तो आप लोग देते थे रिस्पॉन्स, लेकिन कल मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या रीजन है? शादियाँ चल रही इसलिए टाइम नहीं निकला। जो भी रहा, चलिए मैं एक चांस और देता हूँ आपको। आज उस प्रोग्राम को ट्राई करिएगा, कल का वीडियो देखिएगा। कल के वीडियो में मैंने एक सर्फिंग का प्रोग्राम दिया हुआ था, वो प्रोग्राम बनाने के लिए बोला था। ओके, उसको आप बनाइएगा। नहीं बनता है तो फिर मुझे बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। आज हम जो पढ़ रहे हैं ऑपरेटर, तो हम यहाँ कंडीशनल ऑपरेटर तक पढ़ चुके थे। आज हम नेक्स्ट ऑपरेटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, हम इतने ऑपरेटर पढ़ चुके, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। आज जो हम ऑपरेटर अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर। आज जो हम पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे? बिट वाइज। सिर्फ एक ऑपरेटर हमारा बचा है, सोशल ऑपरेटर। आज हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर के अंतर्गत कई ऑपरेटर आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, कैसे निकालते हैं, कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर के अंतर्गत ऑपरेटर आते हैं, या क्या यूज है बिटवाइज ऑपरेटर। तो फर्स्ट यदि मैं बात करूँ बिटवाइज ऑपरेटर की, तो आप ध्यान दें, बिटवाइज ऑपरेटर सी हैज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द सपोर्टिंग स्पेशल ऑपरेटर। एक स्पेशल ऑपरेटर सपोर्ट करता है कॉल्ड बिट वाइज ऑपरेटर, जो बिट लेवल पे वर्क करते हैं। दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी। यानी कि ये किसके लिए यूज किया जाता है? कंप्यूटर मेमोरी के लिए यूज किए जाते हैं। और जो बिट्स होती हैं आपकी 0 और 1, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंप्यूटर जो हमारा जानता है वो क्या जानता है? बाइनरी नंबर ही जानता है, 0 1 ही जानता है, सिग्नल के रूप में ही वर्क करता है। तो दीज ऑपरेटर आर यूज, इस ऑपरेटर का यूज क्या है? मैनिपुलेटिंग है, मैनिपुलेटिंग मीन चेंजेस डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के डेटा को चेंजेस करने के लिए इन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इज पॉसिबल ओनली ऑन, जो मैनिपुलेशन होता है वो किस में पॉसिबल है? डेटा इज पॉसिबल ओनली ऑन अनसाइंड इंटीजर। यानी कि हम जो मैनिपुलेशन बिटवाइज में कर सकते हैं तो किस में कर सकते हैं? अनसाइंड इंटीजर नंबर। वेयर एज शिफ्टिंग कैन बी परफॉर्म फॉर बोथ अनसाइंड एंड साइंड नंबर। यानी कि इसका जो हम करेंगे साइन और अनसाइंड, यानी कि सीधी बात करूं मैं तो इंटीजर डेटा टाइप में इसका यूज करेंगे। इसके अलावा दीज ऑपरेटर वर्क विद इंट एंड कैर डेटा टाइप। देखिए यहाँ क्लियर हो गया, ये ऑपरेटर जो वर्क करते हैं इंटीजर एंड कैर डेटा टाइप, इंटीजर और कैरेक्टर डेटा टाइप में हम इसका यूज कर सकते हैं। किसका? बिटवाइज ऑपरेटर का। तो बचे कौन से? दे कैन नॉट बी यूज्ड फ्लोट एंड डबल, यानी कि फ्लोट डेटा टाइप में हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। फ्लोट और जो डबल डेटा टाइप है, हमारे रियल पॉइंट के जो डेटा टाइप हैं, इनमें हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर का जो हम यूज करेंगे वो किसमें करेंगे? आपको मैंने बता दिया, इंटीजर और करेक्टर पे। इसका यूज किस लिए किया जाता है? बिट शिफ्टिंग के लिए किया जाता है, नहीं कर सकते हैं। और डेटा मैनिपुलेशन के लिए, मेमोरी का जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर पाए जाते हैं, क्या सपोर्टेड है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एम्परसेंड, जिसको बिटवाइज एंड ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। आप एम्परसेंड पढ़ चुके हैं, लेकिन वो लॉजिकल एंड था। क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है बिटवाइज एंड और लॉजिकल में? ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपसे, कोई पूछ भी सकता है कि बिट वाइज एंड कौन सा है और लॉजिकल एंड कौन सा है। आपको बिल्कुल सामने दिख रहा होगा, यदि
सिंगल एम्परसेंट है, ओनली सिंगल, तो बिट वाइज एंड होगा, जबकि लॉजिकल में डबल एम्परसेंट बनते थे। आप देख लीजिएगा, यदि डबल एम्परसेंट बना लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, लॉजिकल एंड कहलाएगा, और यदि सिंगल एम्परसेंट है तो क्या कहलाया जाएगा, बिट वाइज। ऐसे ही आर यदि सिंगल है तो बिट वाइज आर, यदि डबल लगा देंगे तो लॉजिकल। ये आपका बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर हुआ। ये कौन सा साइन है आप ध्यान दें, मैंने आपको पढ़ाया है, स्पेशल सिंबल में बताए थे, आप बता सकते हैं कौन सा साइन है ये? नहीं मालूम, कीबोर्ड पे कहाँ मिलता है ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम? चलिए इसको फाइंड आउट करिएगा कौन सा सिंबल है, मुझे मैसेज में लिख के भेजिएगा। बिट वाइज यूजीआर में कौन सा सिंबल यूज किया जाता है मैसेज में भेजिए। ओके, इसके बाद ये आपका लेफ्ट शिफ्ट है और ये आपका राइट शिफ्ट, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 ऑपरेटर हमारे कितने यूज होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर में हम 5 ऑपरेटर यूज करते हैं, इसके अलावा भी एक ऑपरेटर और होता है, 1th कॉम्प्लीमेंट, ये टाइल्ड का साइन होता है जिसको 6 हम गिन सकते हैं, 6 ऑपरेटर के रूप में 1th कॉम्प्लीमेंट, ये भी हम पढ़ेंगे। ये भी बिट वाइज में आता है, वन कॉम्प्लीमेंट, ये भी आप लिख लीजिएगा, वन कॉम्प्लीमेंट, ये टाइल्ड साइन है शायद आप देखे होंगे। चलिए साइन तो आप पढ़ लेंगे, सिंबल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो ये 6 ऑपरेटर हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर के अंतर्गत, और ये 6 ऑपरेटर हम एक एक करके सीखेंगे। नोट्स में मैं भेज चुका हूँ, नोट्स में आपके पास दोनों मैंने भेजा था, दोनों में आपके पास अवेलेबल होंगे। देखिए बाइंडिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, एम परसेंट 1 2 3 4 5 6 ऑपरेटर हैं, ये 6 ऑपरेटर का मैंने नोट्स ये वाला भेजा था आपको, आपके पास अवेलेबल होगा, ये आप देख लीजिएगा। ओके, तो अब उसको सीखना है ये इनकी वर्किंग प्रोसेस कैसे है, एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, बिट वाइज और कैसे, या बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर कैसे वर्क करता है, लेफ्ट शिफ्ट कैसे वर्क करता है, राइट शिफ्ट कैसे वर्क करता है, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे वर्क करता है, एक एक करके हम सभी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सभी के एग्जाम्पल को बनाएंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये एक चार्ट के रूप में मैंने कुछ ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये तो आपका एंड ऑपरेटर है, आपने देखा कौन सा एंड, बिट वाइज एंड, यहाँ बिट वाइज की बात हो रही है, बिट वाइज एंड ऑपरेटर होगा, ये आपका कौन सा हुआ, बिट वाइज और ऑपरेटर हुआ, आपने देखा। इस चार्ट में मैं 3 ऑपरेटर आपको समझाने जा रहा हूँ, जो यहाँ पे मैं अभी बताया, यहाँ पे मैं अभी समझाने जा रहा हूँ, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और एक्सक्लूसिव आर, XOR इसको नाम से जानते हैं, XOR के नाम से भी इसको जानते हैं, एक्सक्लूसिव आर को, XOR, एक्सक्लूसिव आर, बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर, समझ गए आप? ये 3 ऑपरेटर की वर्किंग प्रोसेस में समझा रहा हूँ आपको, 1 2 3, इसके बाद फिर नेक्स्ट ऑपरेटर हम बाद में देखेंगे। ये 3 ऑपरेटर आपके यहाँ पे मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ, फिर लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और वंस कॉम्प्लीमेंट आगे। ओके, तीनों की वर्किंग प्रोसेस समझना आपके लिए आसान है, क्योंकि आप लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत जल्द आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, ये जो भी प्रोसेस इसमें होती है बाइनरी नंबर पे होती है, जैसा कि मैंने बताया बिट पे वर्क करता है, 0 1 पे वर्क करता है, डेसिमल पे इसमें वर्क नहीं होता है।
मान के चलते हैं जैसे हम कंडीशन बनाए करते हैं 0 0 ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 0, यदि एंड ऑपरेटर बिट वाइज एंड यूज करते हैं तो 0 मिलेगा, आर में भी 0 मिलेगा, एक्सक्लूसिव आर में भी 0 मिलेगा। दोनों बिट यदि 0 हैं तो एंड में भी 0, आर में भी 0 और एक्स ओ आर में भी, एक्सक्लूसिव आर में भी 0। ओके, यदि पहली बिट 0 है दूसरी बिट 1 है तो एंड में सेम वही कहानी 0 मिलेगा। आप उससे लॉजिकल ऑपरेटर से समझ सकते हैं, मान के चलो कंडीशन फॉल्स है और ये आपकी ट्रू है तो एंड ऑपरेटर क्या देता है, फॉल्स ही होता है, और ऑपरेटर क्या होता है, ट्रू, और एक्स ओआर भी क्या देगा। ओके, नेक्स्ट पहली कंडीशन यानी कि पहली बिट 1 है, सेकंड बिट 0 है, पहली कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है। मैं आपको उसी लैंग्वेज में समझाए दे रहा हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर में तो एंड ऑपरेटर 0 देता है। आपको मालूम है एंड कब ट्रू देता है, बता सकते हैं? एंड तब ट्रू देता है जब दोनों कंडीशन आपकी क्या हो, सही। ओके, और आर दो में से कोई भी सही हो तो मिल जाता है, इसमें ये सही थी और ये फॉल्स थी इसलिए 1 मिल गया। एक्स ओ आर सेम वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, आप दोनों बिट 1 1 है यानी कि दोनों कंडीशन सही है तो एंड भी 1 देगा, आर भी 1 देगा, क्योंकि जब दोनों कंडीशन सही हो तो एंड भी 1 देता है और भी 1 देता है, लेकिन एक्स ओ आर 0 देगा। ये डिफरेंस है एक्स ओ आर और आर के बीच में। यदि और ऑपरेटर यूज करते हैं तो दोनों कंडीशन सही होने पे हमको दोनों बिट मिलने पे 1 मिलता है, लेकिन एक्स ओ आर यदि हम यूज करते हैं तो दोनों बिट 1 होने पे हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। दोनों बिट 1 होने पे R में क्या मिलेगा, 1, लेकिन XOR में क्या मिलेगा, 0। ये XOR और R के बीच में डिफरेंस हुआ। और AND का तो आपको मालूम ही है, AND में जब दोनों बिट 1 होंगी तभी 1 मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और R में कोई भी बिट ट्रू होगी, 1 होगी, तो रिजल्ट आपको। तो बिट वाइज के तीन ऑपरेटर मैंने अभी लिया, तीनों ऑपरेटर की कंडीशन को समझाया, तीनों ऑपरेटर के चार्ट आपके सामने हैं, आप समझिए। यदि इस पर कोई भी डाउट है तो मुझको बताएं। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग सी में इसको कैसे यूज करेंगे, इसको प्रोग्राम में कैसे चेक करेंगे। हमने लॉजिकल ऑपरेटर का तो आपको एग्जाम्पल बताया था, आपने लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया देखा, लेकिन बिट वाइज एंड और एक्सक्लूसिव आर जो भी बिट वाइज ऑपरेटर हैं इनको हम प्रोग्रामिंग सी के अंदर कैसे प्रोग्राम में यूज करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूं प्रोग्रामिंग सी के अंतर्गत आप कैसे इनको यूज। प्रोग्रामिंग सी के अंतर्गत एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया है, फिर मैं आपको कलकुशी में बना के दिखा रहा हूँ। पहले मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको वहां समझना। राइट ए प्रोग्राम ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर एंड, ये आपसे एक क्वेश्चन दिया गया, आपने हेडर फाइल लगाया, मालूम ही है मेल लगाया आपको। यहाँ पे देखिए हमने इंटीजर, क्योंकि इंटीजर करेक्टर ही हम यूज कर सकते हैं, इसके अलावा फ्लोट और डबल वैल्यू को हम यूज नहीं कर सकते हैं। इंटीजर टाइप में ए लिया हमने 2 और बी लिया 3, सी के लिया एक वेरिएबल क्लियर रखिए। और इसके बाद यहाँ पे हमने कौन सा ऑपरेटर निकाला, ध्यान दीजिए कौन सा ऑपरेटर यहाँ निकल रहा है, कोई तो बता सकता है? बिट वाइज एंड ऑपरेटर का यूज किया गया, ए और बी के बीच में एंड ऑपरेटर यूज हुआ और वैल्यू किसने आएगी, सी में, और सी को हमने क्या किया, प्रिंट किया। आउटपुट में क्या मिला, यानी कि मैं बात करूं सी इक्वल जो एंड ऑपरेटर यूज हुआ किसके बीच में हुआ, ए की वैल्यू कितनी है 2 एंड बी की वैल्यू कितनी है 3, जिसका रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, रिजल्ट जो हमको मिला आउटपुट में जो हमको मिला वो क्या मिला, सी बराबर 2। वाई, क्यों ऐसा क्यों, जबकि ए की वैल्यू हमारी ऑलरेडी 2 है, अब बी की वैल्यू 3 है, फिर भी रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, 2, क्यों ऐसा क्यों,
इसी कॉन्सेप्ट को तो समझना है। हमने जो यहाँ वैल्यू दी है वो वैल्यू डेसिमल में है, इंटीजर पे है, जबकि बिट वाइज ऑपरेटर किसके काम करता है, मैंने पहले ही बताया, 0 1 बिट बाइनरी। तो हमको रिजल्ट में ट्रू कैसे मिल रहा है इस बात को समझना है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो हम वैल्यू लेंगे, एक ही वैल्यू हमने क्या लिया, टू। ओके, इसका हमको बाइनरी नंबर निकालना होगा। और बी की वैल्यू क्या लिया हमने, थ्री, इसका भी हमको बाइनरी नंबर निकालना होगा इस रिजल्ट को समझने के लिए। और बाइनरी नंबर मतलब आप समझ गए होंगे, आप डिजिटल पढ़ ही रहे हैं, बाइनरी नंबर आपसे निकालते बनता होगा, आप आसानी से निकाल लेते होंगे, कितने बिट में निकालना है वो भी आप निकाल लेते होंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे समझाना है, इसलिए बाइनरी नंबर निकालना आपके पास तो मालूम ही है मेथड, लेकिन मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड भी है, उससे भी मैं बाइनरी नंबर लिखेगा, वो मैं आपको भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ ज्यादा बाइनरी नंबर निकालने के मेथड से कोई लेन देन नहीं है। आप यूज करिएगा 84 21, फार्मूला है मेरे पास एक, इसको मैं आगे और बढ़ा सकता हूँ, 2 4 8 16 32, जितने बिट में निकालना हो उतने में आप लो। मैं यहाँ कितने बिट में निकाल रहा हूँ, 1 2 3 4 बिट का बाइनरी नंबर निकाला है, यानी कि 4 बिट मतलब 15 तक का बाइनरी नंबर से निकाला है। इससे बड़ा चाहिए तो फिर आगे बढ़ा, तो फिर 16 बिट का निकल आएगा, फिर 32 बिट का निकल आएगा, जितने बिट का आपको निकला, 8 बिट का निकल आएगा। ओके, इसमें कैसे निकालेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा पहले बाइनरी नंबर निकालना, यहाँ पे निकाल कर, इसमें बहुत आसान होता है बाइनरी नंबर को लिखना। कैसे, ये 84 21 में जिसका हमको बाइनरी नंबर चाहिए उसमें 1 लिखना है, बाकी में 0। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको पहले 4 बिट का बाइनरी 00 का, तो हमारे पास 0 0 0 हो जाएगा, ये बाइनरी नंबर किसका हुआ, 0 का। अब हमको 1 का निकालना है, तो 1 का, तो इसमें 1 कहाँ है, यहाँ पर, तो वहां 1 कर दीजिए, और बाकी सब के नीचे 0, 2 के नीचे 0, 4 के नीचे 0 और 8 के नीचे भी 0। मैं यही लिख देता हूँ तो और आपको समझ में आ जाएगा, 4 2 1। ओके, ये हमारा 1 के निकल। अब 2 का हमको बाइनरी नंबर चाहिए, तो 2 के नीचे क्या कर देंगे, 1, 2 यहाँ पर है 1 और बाकी में 0। ओके, ये हमारा बाइनरी 2 का निकल। ऐसे ही मुझे 3 का बाइनरी यदि चाहिए, तो अब 3 तो इसमें है नहीं, 3 का बाइनरी कैसे निकलेगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप 4 का तो निकाल लोगे, 8 का निकाल लोगे, 2 का निकाल लोगे, 1 का निकाल लोगे, लेकिन 3 का कैसे निकलेगा, 5 का कैसे निकलेगा, 6 का कैसे निकलेगा, 7 का कैसे निकलेगा, 10 का कैसे निकलेगा। बिल्कुल निकल आएगा, कैसे, आपको जैसे 3 का चाहिए तो आप जोड़े किसमें 3 होगा, 2 और 1 3, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, 2 1 3 और बाकी में 0, ये हमारा 3 का। ओके, 4 का निकालना है, 4 का तो सिंपल है, 4 पे मैं क्या कर दूंगा, 1 बाकी में 0, ये हमारा 4 का हो जाएगा। ओके, क्या हो गया, ओके ठीक। अब 5 का निकालना है, मैं पूरे नहीं निकाल रहा हूँ, 5 तक निकाल देता हूँ, बाकी आप निकाल लीजिएगा। 5 का निकालना है, 4 और 1 5, 4 के नीचे, यानी कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ये 5। आपको मैं ये जो बाइनरी नंबर निकालना बताया ना, आप अपने मेथड से भी निकाल के चेक कर लीजिएगा, एकदम एक्यूरेट बाइनरी नंबर आया, आप निकाल लीजिए, आप डिवाइड करके निकालते होंगे 2 से, निकाल के चेक कर लीजिएगा। वो मेथड तो मेथड वही है बाइनरी नंबर निकालने का जो आप डिजिटल में पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। ये मेरे पास शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि मुझे बाइनरी नंबर यहाँ निकालना नहीं है, मेरा कौन निकालेगा, कंप्यूटर, कंप्यूटर निकालेगा, कंपाइलर निकालेगा, कंपाइलर ऑटोमेटिक बाइनरी नंबर कन्वर्ट कर लेता है, वो तो बाइनरी में ही प्रोसेस करता है,
और वो हमको रिजल्ट भी देगा। मुझे तो समझने के लिए बस चाहिए कि वो रिजल्ट जो दो दे रहा है यहाँ पे, जो मुझे दो रिजल्ट मिल रहा है तीन बराबर क्यों मिल रहा है, वो समझने के लिए मुझे चाहिए बस। ओके, आप ये बाउंड्री निकाला है, अब हमको हमने किसके बीच में निकाला है, दो और तीन, तो दो का बाउंड्री नंबर हमको लिखना पड़ेगा। दो का बाउंड्री नंबर हमारा कहाँ गया, ये है ना, हाँ दो का ये है 1 0, तो यानी कि दो का बाउंड्री नंबर हुआ 0 0 1 0। ओके, ये किसका हुआ, दो का। और तीन, तीन का बाउंड्री नंबर हमारा क्या है, 2 1 3 0 0 1 0 0 1 1, ये किसका हुआ, तीन। ओके, अब इसके बीच में हम क्या निकाल रहे हैं, दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है, लॉजिकल एंड। और लॉजिकल एंड की टेबल आपको याद रहे, लॉजिकल एंड में क्या है, जब दोनों बिट वन होंगी तो वन मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, जीरो। जब दोनों बिट वन होगी तो वन मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, जीरो, जो अभी मैंने टेबल में समझाया। ये लॉजिकल एंड, जब दोनों बिट आपकी वन है तो वन, अदरवाइज क्या पूरे में मिल रहा है, जीरो। ओके, हम निकालते हैं जीरो और वन एंड में क्या मिलता है, बिट वाइज, सॉरी बिट वाइज, बिट वाइज एंड की बात कर रहे हैं, लॉजिकल की नहीं, क्योंकि लॉजिकल अपडेट हम पढ़ चुके हैं। तो बिट वाइज एंड में जीरो और वन में क्या मिलेगा, जीरो, वन वन में क्या मिलेगा, वन, और जीरो जीरो में जीरो, और जीरो जीरो में जीरो। ये आपका नंबर निकल के आया बाइनरी में, जो आउटपुट में, और ये किसका नंबर है, आप देख सकते हैं, जीरो जीरो वन जीरो क्या होता है, टू का नंबर, इसलिए आउटपुट में हमको क्या मिला था, टू। ये देखो इसका जो बाइनरी निकल रहा था वो क्या मिल रहा था। ओके, इसी में हम आर भी निकाल लेते हैं, तो मैं प्रोग्राम में चेक करा दूंगा और आसान हो जाएगा। आर में हमको क्या मिलेगा, इसी पे मैं आर निकाल देता हूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं आर का लिख देता हूँ, इसी पे दो और तीन के बीच में आर ऑपरेटर यदि हम निकालते हैं तो हमको क्या आउटपुट में मिलेगा, आर ऑपरेटर बिट वाइज आर यदि हम यूज करते हैं, देखिए आर में जीरो और वन में क्या मिल जाएगा, वन मिलेगा, वन वन में वन मिलेगा ही, और जीरो में जीरो, और जीरो में जीरो, ये किसका ऑपरेटर हुआ, थ्री का। यदि आर निकालेंगे तो थ्री, और यदि एंड निकालेंगे तो टू। नंबर चेंज कर सकते हैं, ये तो नंबर जरूरी नहीं है कि दो और तीन ही लेना है, समझाने के लिए मैंने ले लिया, आप ज्यादा नंबर लीजिएगा कम लीजिएगा फिर निकालिएगा, ये तो अभी छोटा सा एक एग्जाम्पल मैंने दिया समझाने। अब चलिए इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, जो हमने यहाँ ट्रेस किया क्या वाकई में मिल रहा है प्रोग्रामिंग में या नहीं मिल रहा। ओके, इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ सर्वोत्तम, और एक छोटा सा प्रोग्राम एंड ऑपरेटर के बीच में, और उसी में मैं आर ऑपरेटर को भी बिट वाइज आर का यूज करके भी आपको बता दूंगा। नया प्रोग्राम हम बना लेते हैं, डॉट एच, कोनियो डॉट एच, वाइट मेन इंट ए बी सी, तीन वेरिएबल हमने लिया था, ए बराबर हमने क्या दिया था, दो, और बी बराबर हमने क्या दिया था, तीन, और सी इक्वल हमने क्या किया था, ए एम परसेंट बी, यानी कि एंड बी प्रिंट एफ, सी इक्वल परसेंटेज डी कॉमा सी, यह बहुत छोटा सा प्रोग्राम, और मैंने इसको तुरंत कंप्लीट किया, आपके सामने रन किया, सी एल क्लियर सीन और लगा देता हूँ, ओके सेव भी कर देता हूँ।
अपने प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा, चलाइएगा, ट्राई करिएगा, एंड है बिटवाइज रन किया, सक्सेस, नो प्रॉब्लम, सी इक्वल टू टू। जो मैंने आपको रिजल्ट दिखाया था वही रिजल्ट आपको मिल चुका। ओके, यहाँ पे मैं अब एंड की जगह और लगा देता हूँ, बिटवाइज और चेक कराया, थ्री। ओके, हमने थ्री रिजल्ट देखा था, यदि मैं आर यूज करता हूँ तो थ्री मिलेगा, और यदि एंड यूज करता हूँ तो टू मिलेगा, और हमको रिजल्ट में वही मिला। यदि मैंने एंड यूज किया तो मुझे टू मिला, और यदि आर यूज किया तो मुझको टू। अब बारी आपकी, मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, मैंने फाइव किया और यहाँ पे मैंने दिया सेवन, रिजल्ट हमको मिला सेवन। वाय कैसे? फाइव और सेवन का रिजल्ट आर में सेवन मिल रहा है, नोट कर लीजिए। कैसे मिल रहा है ये टेबल बनाकर आप मुझे भेजेंगे, देख लीजिए। फाइव, ए बराबर फाइव, बी बराबर सेवन, और ऑपरेटर ए और बी, बिटवाइज ए और बी इक्वल टू सेवन, रिजल्ट जो आ रहा है सेवन। क्यों आ रहा है? उसका आपका एनालिसिस करके कॉपी पेन में लिख के और मुझे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फोटो खींच के भेजेंगे। ओके, और यदि मैं इसी की जगह एंड यूज करता हूं तो क्या मिल रहा है? इसका भी मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, फाइव। यदि मैं इसको यूज कर रहा हूं तो फाइव मिल रहा है। क्यों? इन दोनों का आप बना के मुझे भेजेंगे, तब मैं मानूंगा कि आप समझ गए हैं और मेरा वीडियो आप देख रहे हैं। ओके, आज इतना आप चलाइए, एंड और आर की प्रैक्टिस करिएगा, कुछ और एग्जाम्पल्स लीजिएगा, उनको भी आप बनाइएगा अपने हिसाब से, चलाइएगा। कल फिर मैं इस पे आगे और बताऊंगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर मैं क्लोज कर रहा हूँ।